वर्किंग तो कोई हुआ नहीं है ये नहीं, कल से स्टार्ट हो जाएगी। आप ही लोग देखभाल करते हैं प्रॉपर? 25% उधर देते हैं सेना के लिए, टेंट उन्हीं के। आप अभी जैसे कि ये टेंट सारे खाली के खाली दिख रहे हैं मेरे को, इनमें कुछ नहीं है, तो कल इनमें आप अपना सब डालोगे, बिस्तर वगैरह लाइट वगैरह दोगे सारी कुछ, उसके बाद इसका किराया आप लोगे, 25% उधर दोगे। अच्छा, उनको भी दे दे, हमको भी दे दे। अच्छा अच्छा, यूनियन वाले आपको भी देते, मतलब यूनियन पूरा पैसा लेगी, उसके बाद आपको भी देगी और उनको भी देगी। ओके, ये है, ये सारे टेंट आर्मी वालों के हैं। गणेश भाई सही बता रहे हो आप, इस प्रकार से कुछ और ऐड करना चाहोगे इसमें? जैसे कि हम वो टेंट देख रहे हैं, हाँ, टेंटों से ये टेंट बहुत बेहतरीन है। और एक बात और चीज है इनमें, हाँ, जैसे कि इनमें ये जो टेंट है वो लोहे से बने हुए हैं और काफी ज्यादा मजबूत है और हैवी टेंट है। देखो मैं अंदर से दिखाता हूँ, इनका जो अभरी है और इनकी जो स्ट्रांगनेस है ना, बिल्डनेस, वो भी काफी मजबूत है। अभी लाइट ऑफ है तो फिर मेरी इससे हो नहीं पा रहा होगा, क्योंकि ये आर्मी के हैं प्रॉपर, इसमें डबल लेयर लगी हुई है, तो पंचतरणी में जो भी यात्री रुक रहे हैं आप कोशिश कीजिए, चाहे सिविल वालों में रुक जाइए चाहे आर्मी वालों में रुक जाइए, फैसिलिटी दोनों की बढ़िया है, नहीं है भाई जान? किराया भी दोनों का सेम ही, किराया भी सेम ही रहेगा। यूनियन की जो रेट है वही है, यूनियन की रेट यहाँ की है 630 रुपए पर हेड, 650 हाँ 650 लिए हैं हमसे, बेड वाले का 750, तो हमने फ्लोर वाले लिए हैं सारे 650 में। सेम इस पार उस पार इसी तरीके से टेंट लगे हुए हैं, और यात्रियों के लिए इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी है, पहले से ज्यादा हुई है ना, टेंट की संख्या भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अनुमान ये लगाया गया है कि यात्री ज्यादा आएंगे, ज्यादा यात्री आएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी हिसाब से फैसिलिटी भी बढ़िया रखी गई है जिस हिसाब से यात्री आएंगे। ये कश्मीरी भाई है, क्या नाम है आपका? शाहिद हुसैन। तो ये भाई लोग यहाँ पर रहते हैं ना, हम सभी यात्रियों के लिए देखभाल के लिए अपना टेंट है, बाथरूम नहाने धोने की व्यवस्था है, गद्दे वगैरह है, लाइट है, ये सारी चीज अरेंज कराते हैं। काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, और ये एक नया हमने छोटा वीडियो एक कैप्चर किया, आप देख सकते हैं, ये दृश्य था आर्मी के टेंट का।